हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानफिंग ने अपने प्रोटेक्टर जुआन की सोल को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पॉइजन गर्ल उसके साथ फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर रहा था। हानफिंग के ज्यादा खतरनाक होने की वजह से पॉइजन गर्ल को मजबूरन अपनी पॉइजन बॉडी की पावर एक्टिवेट करनी पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद वो उसे दोबारा से कंट्रोल ना कर पाए। इसी वजह से ज़ावियर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कम्प्लीट कर पाया, जिसका इस्तेमाल करते वो हानफिंग की यहीं पर जान ले लेता है। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ज़ावियर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोटेक्टर जुआन के केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे ट्रेजर मिले। इवन उसे एक ऐसा स्क्रॉल मिल चुका था जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियर एक डीमन पपेट को क्रिएट कर पाएगा। लेकिन यहाँ बुरी खबर तो ये हुई थी कि रात को वापस अपने घर आने के बाद पॉइजन गर्ल की बॉडी से काफी सारा पॉइजन अनलीश होना शुरू हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी से काफी सारा पॉइजन निकल रहा था और वो चारों तरफ जंगल में फैलने की कोशिश करता है। लेकिन मास्टर सुकियान भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बैरियर क्रिएट करते हुए उस पॉइजन को एक जगह पर कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन मास्टर सुकियान नहीं जानते थे कि वो कब तक इस पॉइजन को यहाँ पर रोक पाएंगे। दूसरी तरफ कोई भी जानदार चीज इस डोम के अंदर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो पॉइजन इतना ज़रा खतरनाक था जो एक पावरफुल कल्टीवेटर के अलावा बाकी हर एक चीज को से मार देता था। ज़ावियर को यहाँ पर जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर की खबर मिली थी, वो फॉरेस्ट से अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भागता हुआ सीधा इसी जगह पर आकर पहुंच गया, जहाँ वो एल्डर सुकियान से सवाल करते हुए पूछता है कि पॉइजन गर्ल इस वक्त कैसी है। एल्डर सुकियान उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि वो अभी कमरे के अंदर है और कमरे के अंदर इतना ज्यादा इवल पॉइजन है कि मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करके नहीं बता सकता। ज़ावियर यहाँ पर एल्डर सुकियान की ये बात सुनकर फॉरेस्ट से अंदर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर एल्डर सुकियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ावियर की एक बात नहीं सुनता। अंदर आने के बाद ज़ावियर देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो काफी ज्यादा तकलीफ में थी। ज़ावियर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तेजी के साथ आते हुए फौरन से उसका नब्ज चेक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ज़ावियर को मालूम हो गया कि पॉइजन गर्ल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, जहर उसकी पूरी बॉडी में घोल चुका है। जल्दी ये इवल पॉइजन उसकी सोल पर भी हमला करना शुरू कर देगा। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल भी होश में आ गई, जो कि ज़ावियर को यहाँ पर देखकर परेशान होते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, जल्दी इवल पॉइजन मेरी बॉडी को ब्रेकआउट करके बाहर आ जाएगा। ज़ावियर उसकी ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम्स है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी अब थोड़ी सी शांत हो गई। वो ज़ावियर के सीने पर सर रखते हुए कहती है कि ज़ावियर, तुम्हारे साथ पिछले गुजारे हुए कुछ लम्हे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास थे। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे साथ गुजारे हुए इन लम्हों को मैं कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि तुम मेरे पहले दोस्त हो और शायद आखिरी भी। मैं ये सब कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जल्दी शायद मैं नहीं रहूंगी। अब तक मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यूं ही पकड़कर बैठे रहो। ज़ावियर यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बातें सुनकर इमोशनल होते हुए कहता है कि इस तरह की बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। अभी के लिए तुम आराम करो, तुम्हें जरा सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद ज़ावियर यहाँ पर पॉइजन गर्ल को दीवार के साथ बिठा देता है, जबकि खुद वो खड़ा होकर बेचैनी के साथ यही सोच रहा था कि आखिर वो पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए क्या कर सकता है। ज़ावियर को यहाँ पर इतना सारा बेचैन देखकर पॉइजन गर्ल अपने मन में कहती है, ये एहसास कितना ज़रा अच्छा है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं, हमारी परवाह करने वाला कोई है। ये कहते हुए पॉइजन गर्ल अंदर से काफी ज़रा तकलीफ महसूस कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पॉइजन बॉडी को कंट्रोल तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो अभी तक हमें मिले नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए था। ज़ावियर यहाँ पर परेशान होते हुए ये सब सोच रहा था, तभी अचानक ज़ावियर को मास्टर टियानाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि मुझे एक बार फिर से पॉइजन बॉडी देखने को मिली, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। ज़ावियर उनकी बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर टियानाओ, क्या आप पॉइजन बॉडी के बारे में जानते हो। जिस पर मास्टर टियानाओ जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, ये दूसरी दफा है जब मैं इस पॉइजन बॉडी को देख रहा हूँ, क्योंकि पहली दफा ये मेरे एक दोस्त को हुई थी और इवन मैंने अपने दोस्त के लिए एक सीलिंग टेक्निक भी बनाई थी, जिसकी मदद से मैं उसकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर चुका था। इस टेक्निक की मदद से मैंने 3 साल तक उसकी बॉडी को सील किया हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उसके लिए परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाया और वो मारी गई। मास्टर टियानाओ की बातें सुनने के बाद ज़ावियर को एक उम्मीद मिल गई थी। वो सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर टियानाओ, क्या आप मुझे वो सीलिंग मेथड सिखा सकते हो। जिस पर मास्टर टियानाओ ज़ावियर से कहते हैं कि ये सीलिंग मेथड तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा खतरनाक होगा, लेकिन क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये कहते हुए मास्टर टियानाओ ज़ावियर को सीलिंग मेथड सिखाना शुरू कर देते हैं, जहाँ ज़ावियर गौर से उनकी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये सब देखकर ज़ावियर फौरन उसके पास आकर उसे संभालते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे रास्ता मिल गया, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर दूंगा, अपनी हेवनली
स्लेव की मदद से। उसकी ये बात सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी खुश हो गई थी, लेकिन ज़ेवियन यहाँ पर थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि ये टेक्निक वैसे काफी जरा खतरनाक है, क्योंकि उस दौरान इवल पॉइजन अनलीश हो जाएगी और वो तुम्हारी या फिर मेरी जान ले सकती है। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल को भी थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा था। तभी ज़ेवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम लेट जाओ। जो सुनकर पॉइजन गर्ल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरी तरफ ज़ेवियन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल का इलाज करना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल की बॉडी जल रही थी, उससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। ज़ेवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल को तकलीफ में देकर कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन प्लीज खुद पर काबू करते हुए इसे झेल लेना। जो सुनकर पॉइजन गर्ल भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, उसने अपनी एक उंगली मुंह में पकड़ ली थी, जिसकी वजह से जब ज़ेवियन उसका इलाज कर रहा था, इस दौरान जो पॉइजन गर्ल को तकलीफ हो रही थी वो चिल्लाती नहीं, बल्कि वो यहाँ पर लगातार अपने दांतों को दबाई जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी उंगली से भी खून निकलना शुरू हो गया। आखिर की तरफ मास्टर सुकियान तो यहाँ इन दोनों का ही इंतजार कर रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, जबकि अंदर की तरफ मौजूद ज़ेवियन यहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार वहाँ पर एक सील को क्रिएट करना शुरू कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर देगा। ज़ेवियन का यहाँ पर ये सीलिंग मेथड शुरू में तो काफी अच्छे से काम कर रहा था, वो पॉइजन गर्ल की बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक बीच दौरान में ही पॉइजन बॉडी की पावर्स अनलीश होना शुरू हो गई और यहाँ इस इविल पॉइजन ने ज़ेवियन की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया। पॉइजन गर्ल भी काफी ज्यादा तकलीफ में थी। ज़ेवियन ये सब देखकर कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इविल पॉइजन ने मुझ पर काउंटर बैक कर दिया है। यहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी से काफी ज्यादा पॉइजन निकल रही थी, जो कि फिक्र करने वाली बात है, लेकिन ज़ेवियन यहाँ पर खुद को हिम्मत देते हुए कहता है कि मैं हार नहीं सकता, मेरी दोस्त की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ये कहते हुए ज़ेवियन ने एक बार फिर से अपनी सीलिंग मेथड को क्रिएट करना शुरू कर दिया और इस बार वो पहले से भी ज्यादा जाल लगा रहा था, लेकिन वो इवल पॉइजन भी ये सब देखकर और ज्यादा घातक हो रही थी। वो धीरे धीरे करके यहाँ ज़ेवियन की बॉडी पर ही काबू करना शुरू कर देती है। ज़ेवियन जानता था कि वो पॉइजन धीरे धीरे इसकी बॉडी में इंटर हो रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी सील की एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर चुका, जो कि पूरे जंगल में फैल चुकी थी। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ज़ेवियन की इस गुड एनर्जी ने बाहर मौजूद सारी इवल पॉइजन पर काबू करना शुरू कर दिया। लिरसुकियान भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ वो सारी की सारी गुड एनर्जी यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी थी, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी होश में आ जाती है और वो देखती है कि ज़ेवियन आखिर वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं। वो चारों तरफ ज़ेवियन को ढूंढ ही रही थी, तभी अचानक उसकी नजर ज़ेवियन पर पड़ती है, जो कि दीवार के साथ नीचे पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी में पॉइजन भी इंजेक्ट हो चुका है। ज़ेवियन को यूं खराब हालत में देखकर पॉइजन गर्ल फौरन से उसके पास जाकर सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ेवियन क्या तुम ठीक हो, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेवियन तो बेहोश था, वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। पॉइजन गर्ल जानती थी कि यहाँ पर ज़ेवियन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए वो ज़ेवियन के होंठों से उसका पॉइजन पीना शुरू कर देती है और इसी तरह से पूरी रात गुजर गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम देखते हैं कि कुछ देर बाद आखिरकार ज़ेवियन होश में आ गया, जहाँ वो सबसे पहले अपने सामने पॉइजन गर्ल को देखता है, जो कि ज़ेवियन के लिए परेशान होकर उसके सामने ही खड़ी थी। लेकिन ज़ेवियन को होश में आता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ ज़ेवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम लोग कामयाब हो गए, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने मेरी पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर दिया और इवन की वो सील इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 2 से 3 साल तक मुझे दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। उसका ये जवाब सुनकर तो ज़ेवियन को भी काफी अच्छा महसूस होता है। वो बोलता है कि इसका मतलब हम लोगों को काफी वक्त मिल गया कि हम लोग अच्छे से इंग्रेडिएंट्स ढूंढ पाए। यहाँ इसी तरह से बातें करने के बाद अब ये लोग खड़े होकर कमरे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एल्डर सुकियान तो पहले ही इन दोनों का इंतजार कर रहा था। वो इन दोनों को ही यहाँ पर सही सलामत और जिंदा देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों बाहर आ गए, जिस पर ज़ेवियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। तभी अचानक एल्डर सुकियान की नजर यहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी पर पड़ गई, जिसकी वजह से वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, जब वो इवल एनर्जी अनलीश हुई थी तो वो एनर्जी काफी ज्यादा थी, मैंने उसका इस्तेमाल करके खुद का लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी कि मैं अब डोजोंग लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुकी हूँ। ये सुनकर एल्डर सुकियान तो हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग वाकई में कमाल के हो, जो कहते हैं उन्होंने आसपास मौजूद अपने बैरियर को भी हटा दिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ेवियन का भाई छोटी जिया और इवन की ज़ेवियन की चश्मिश दोस्त भी वहाँ पर पहुंच गई, जो सब लोग यहाँ पर ज़ेवियन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे। ज़ेवियन उन्हें यकीन दिलाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो अपनी चश्मिश दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा नहीं भूला, बल्कि मैं अपने वादे को निभाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन चलने से पहले मुझे एक जरूरी काम है जो कि मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। ये सुनकर सब लोग थोड़ा सा हैरान हो गए कि आखिर ज़ेवियन की जरूरी काम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये काम ज़ेवियन के लिए वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसे पूरा करने के लिए ज़ेवियन यहाँ दूसरी तरफ दूर पहाड़ियों में आ गया। ज़ेवियन के सारे ही दोस्त दूर से ये सब
देख रहे थे। पॉइजन गर्ल यहाँ पर कहती है कि ज़ेवियर एक लेवल 7 की पिल को क्रिएट करेगा, जिसके लिए ज़ेवियर ने जगह तो काफी अच्छी थी उसकी। इवन एल्डर सुकियान भी यहाँ पर कहते हैं कि ज़ेवियर अगर इस लेवल 7 की पिल को क्रिएट करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब आने वाले फ्यूचर में जब वो पिल हॉल में जाएगा तो उसे ज्यादा मुश्किलें झेलने को नहीं मिलेगी। असल में ज़ेवियर यहाँ पर हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो क्वीन मेडुसा को देगा ताकि वो उसकी जान बचा सके। सबसे पहले तो ज़ेवियर ने इस पिल को क्रिएट करने के लिए अपने पास से सारे इंग्रेडिएंट्स निकालकर अपने सामने मौजूद फर्नेस में डाल दिए और वो ने अपनी फ्लेम्स की मदद से मेल्ट करना शुरू कर चुका। जो टेक्निक इतनी जरा स्मूथली होते हुए देखकर एल्डर सुकियान तो यहाँ पर ज़ेवियर की तारीफ कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ेवियर को देखते हैं जो कि उस सोल मेल्टिंग ब्लड पिल को रिफाइन करने के लिए अपने पास से फिनिक्स ब्लड को बाहर निकाल चुका। ज़ेवियर जानता था कि वो फिनिक्स बीस्ट काफी जरा खतरनाक था, तो यानी कि ये फिनिक्स ब्लड भी बहुत ही पावरफुल होगा और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इस सोल मेल्टिंग ब्लड पिल को अच्छे से रिफाइन कर सकता हूँ। ज़ेवियर ने बेशक कुछ हद तक बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन वो इस ब्लड के साथ जुड़े हुए खतरे को तो पूरी तरीके से भूल ही चुका है। जिस ब्लड को कंबाइन करने के साथ ही अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियर के आसपास की जगह बदलना शुरू हो गई। वेदर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और ज़ेवियर के सामने उसी फिनिक्स ब्लड की एक बहुत बड़ी सोल आ जाती है, जो कि ज़ेवियर को देखकर काफी जरा गुस्से में लग रही थी और वो यहाँ पर अपने ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियर पर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। ज़ेवियर को यहाँ इस प्रेशर की वजह से काफी जरा तकलीफ हो रही थी। पॉइजन गर्ल तो ज़ेवियर की मदद करना चाहती है, लेकिन एल्डर सुकियान उसे मना करते हुए कहते हैं कि हम लोग ज़ेवियर की मदद नहीं कर सकते, उसे यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना होगा। अगर हम लोगों ने बीच में आने की कोशिश की तो इससे उसका काम खराब हो सकता है। लेकिन जिया तो यहाँ पर भड़कते हुए कहती है कि आखिर यह अजीब सा दिखने वाला बर्ड मेरे दोस्त को कैसे परेशान करेगा। ये कहते साथ ही उसने फौरन से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने क्लॉक को बाहर निकाल लेती है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी के साथ आगे जाकर सीधे उस फिनिक्स बीस्ट को एक जोरदार पंच कर दिया, जिसकी वजह से वो सोल थोड़ी देर के लिए वहां से गायब हो गई थी। ज़ेवियर भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि अगर जिया उसकी मदद ना करती शायद इस सोल मेल्टिंग पिल को क्रिएट करना काफी जरा मुश्किल हो जाता। यहाँ ज़ेवियर ये सब सोच रहा था जबकि दूसरी तरफ जिया उड़ते हुए ज़ेवियर के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो ज़ेवियर को बताती है कि बेशक मैंने उस फिनिक्स बीस्ट को यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो वापस जरूर आ जाएगी क्योंकि उसका ये ब्लड काफी जरा खास है, उसकी ओरिजिन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जिया भी ये सब कह ही रही थी तभी अचानक हम देखते हैं कि उस फिनिक्स बीस्ट की सोल वहाँ पर दोबारा से आ गई, जो कि ज़ेवियर पर दोबारा से प्रेशर बढ़ा रही थी। जिया भी ये सब देखकर अपने माथे से थोड़ा सा ब्लड निकालकर यहाँ ज़ेवियर के सामने कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो फिनिक्स बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसकी ब्लड लाइन बेशक स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि उसकी ब्लड लाइन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए ज़ेवियर तुम मेरे ब्लड का इस्तेमाल करते हो उस फिनिक्स बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जिया की ये बातें सुनते हुए ज़ेवियर ने उसका ब्लड ले लिया जिसे वो अपनी पिल में मिला देता है और यहाँ पर जिया के ब्लड की एनर्जी तो वाकई में काफी जरा खतरनाक थी, जिसने उस बीस्ट को तो फौरन ही सप्रेस कर दिया। ज़ेवियर ये सब देखकर खुश होते हुए जिया का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर जिया कहती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, जल्दी से इस मेडिसिन को कंप्लीट करो और इसे मुझे दे देना। ये कहते हुए वो हंसते हुए वहां से चली गई, जबकि ज़ेवियर मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये पिल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर के लिए है। ये कहते हुए ज़ेवियर यहाँ पर यूं ही मुस्कुराते हुए उस पिल को रिफाइन करता जा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा की यादों को भी याद करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्वीन मेडुसा की ये यादें ज़ेवियर के चेहरे पर एक मुस्कान ले आती है। सब कुछ ही बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियर के माथे पर एक अजीब सा सिंबल आ गया, जिसकी वजह से अचानक इस ज़ेवियर अपने आसपास के नेचर को कंट्रोल करके उसे रोकना शुरू कर देता है। इसे थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही थी। एल्डर सुकियान ये सब देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे, ये तो एल्केमी का सोल लेवल है, या फिर मैं इसे सोल स्टेज कहूँ, क्योंकि इस स्टेज के दौरान एल्केमिस्ट की सोल पावर बिल्कुल इन्फिनाइट लेवल पर चली जाती है। यकीन नहीं आता कि ज़ेवियर अपने एल्केमी के स्टेज को अचीव करने में कामयाब हो चुका है, वो वाकई में कमाल का है। दूसरी तरफ ज़ेवियर लगातार अपना सारा के सारा ध्यान अपने हेवनली सोल मेल्टिंग फील को ही रिफाइन करने पर लगा रहा था, जो कि धीरे धीरे जैसे ही कंप्लीटेशन स्टेज के करीब आती जा रही थी वहाँ के मौसम ने भी बदलना शुरू कर दिया, जिस मौसम को दूर से सब लोग ही देख रहे थे। इवन की इनर कनान के दोनों प्रोटेक्टर मास्टर के स्टेचूज भी यहाँ पर इस एनर्जी को महसूस करते हुए कहते हैं कि ये तो अर्थ और हेवन की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगी। हमने काफी अरसे बाद इस एनर्जी को यहाँ पर महसूस किया। दूसरी तरफ एल्डर सुकियान, पॉइजन गर्ल और जिया भी यहाँ पर इस डैन थंडर एनर्जी को आता हुआ देखकर कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पर चूंकि ज़ेवियर ने एक लेवल 7 की पिल को पहली दफा रिफाइन करने की कोशिश की, इसकी वजह से उसका हेवनली ट्रिब्यूलेशन एग्जाम होगा। ज़ेवियर भी इस बदलते हुए मौसम को देखकर कहता है कि आखिरकार वो वक्त आ गया कि मेरा ट्रिब्यूलेशन एग्जाम हो। मास्टर, क्या आप ये सब देख पा रहे हैं? आपने मुझसे कहा था एक दिन जब मैं एलेक्सर्स को अच्छे से रिफाइन करना शुरू कर दूं तो मैं इस ट्रिब्यूलेशन थंडर को अपनी तरफ अटैक कर दूंगा और तभी ही मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट कहलाने के काबिल बनूंगा। ये सब सोचते हुए ज़ेवियर थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है कि काश मास्टर आप यहाँ पर होते
और आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पाते। यहाँ ज़ियामियन ये सब कह ही रहा था जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक यहाँ पर फर्स्ट थंडर तेजी के साथ ज़ियामियन पर आकर गिरना शुरू कर चुकी, जिसे अपनी तरफ आते हुआ देख कर ज़ियामियन ने भी फोन से अपने हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए एक जोरदार स्लैश लगाते हुए उस थंडर को वहीं पर गायब कर दिया। एल्डर सुकियान यहाँ पर इस रेवोल्यूशन एग्जाम को देखते हुए कहते हैं कि इसका थंडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जबकि ज़िया को ये सब बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। नीचे की तरफ मौजूद ज़ियामियन को भी इस एग्जाम से ज्यादा डर नहीं लगता, बल्कि वो यहाँ पर इस थंडर को लड़कारते हुए कहता है कि चलो दोबारा से आओ। जो कहते हुए अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक थंडर अटैक इस बार ज़ियामियन पर होने वाला था। ज़ियामियन भी इस अटैक को रोकने के लिए फौरन से वहाँ पर माउंटेन ओपनिंग सील को क्रिएट करना शुरू कर चुका। दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी थंडर की बारी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार तो आसमान में काफी ज्यादा थंडर एक साथ इकट्ठा हो चुकी थी। ये थंडर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इस थंडर की एनर्जी को महसूस करके तो एल्डर सुकियान, पॉइजन गर्ल और ज़िया को भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक बैरियर को क्रिएट करना पड़ा। लेकिन ज़ियामियन जो कि नीचे से इस थंडर अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था, तभी अचानक वो अपने पास से डीमन पपेट को बाहर निकाल चुका, जो कि उस फाइनल थंडर अटैक को ब्लॉक करने के लिए वहां पर एक जोरदार पंच कर देता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने वहां पर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया, जो करते वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। ये करने के बाद उसने वहां पर मौजूद बाकी के सारी थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है, जिस पर तो एल्डर सुकियान सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या ये एक हेवनली डीमन पपेट है, जिस पर पॉइजन गर्ल उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये एक अर्थ लेवल का डीमन सोल पपेट है, जो कि हेवनली सोल डीमन पपेट से काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और इसके यहाँ पर होते हुए ज़ियामियन को तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये अकेले ही ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास कर सकता है। पॉइजन गर्ल की ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वो डीमन सोल पपेट तेजी के साथ सीधा ट्राइबोल्यूशन एग्जाम की उस थंडर एनर्जी के अंदर ही चला गया, जबकि नीचे मौजूद ज़ियामियन यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार मैंने इस अर्थ लेवल की डीमन पपेट को कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए मैंने उस ओल्ड डीमन की बॉडी का इस्तेमाल किया है जो कि एक डोजोंग लेवल का वॉरियर था। साथ ही साथ मैंने सेवंथ लेवल की मैजिक कोर को भी यूज किया, इसकी वजह से ये डीमन सोल पपेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ चूंकि ज़ियामियन का थंडर ट्राइबोल्यूशन एग्जाम कम्प्लीट हो चुका था, इसलिए हम देखते है की सेवंथ लेवल की वो सोल मेल्टिंग पिल भी रिफाइन होकर बाहर आ गई, जिसे ज़ियामियन अपने सामने देखकर कहता है की आखिरकार मैं इस लेवल 7 की सोल मेल्टिंग पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि काइलिन तुम बिल्कुल ठीक होगी, मैं जल्द ही तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आऊंगा। मुझे लगता है कि ये सोल मेल्टिंग पिल हमारी हर एक मुश्किल को खत्म कर देगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस आने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम है जो कि मुझे पूरे करने होंगे। ये कहते हुए ज़ियामियन यहाँ पर अपने टीचर और अपने फादर को याद कर रहा था, जिन्हें हॉल ऑफ सोल ने पकड़ कर रखा हुआ है। लेकिन ज़ियामियन को अपने वादे के मुताबिक पिल हॉल में भी जाना होगा। ज़ियामियन यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। साथ ही यहाँ पर ज़ियामियन क्वीन मेडुसा को याद करते हुए कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक प्लीज तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें एक झलक क्वीन मेडुसा की भी दिखाई जाती है, जो कि शायद ज़ियामियन का ही इंतजार कर रही थी। और इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।